हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम कंसीडर कर लेंगे प्लेट ए एंड बी। ए पे क्या कर देते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाता था, बी पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। ओके, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल डी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस वाली डायरेक्शन में इसको हमने मान लिया, इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है। ठीक है, तो ई नॉट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस टी है, ये वाला, ये इंट्रोड्यूस कर दिया इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, अब क्या होगा, इस ई नॉट की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई नॉट क्या कर लेगी, पोलराइज कर देगी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरफ कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है। इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? अब यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बट वो किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट टू ई नॉट, बिकॉज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव ये है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसे हमें नाम दे दिया ई एम, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम, जो भी आपने इसमें मीडियम प्लेस किया है। ठीक है, इनके प्लेट्स के बीच में जो भी हमने डायलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया हुआ है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई एम, और वो होगी अपोजिट टू ई नॉट। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, यही चीज हमने राइट डाउन की है। देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी विद वैक्यूम बिटवीन इट्स प्लेट इज गिवन बाय, हमें पता है ये हम पहले कर चुके हैं, कि जब दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है और उसके बीच में क्या है, हमने कोई भी डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, उसमें हमने कुछ भी डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है, वैक्यूम है इनके बीच में, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती थी, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ये तो हमने किया हुआ है, क्लियर? ओके, देखो, इनिशियली द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज सेटअप बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, हमने भी एक्सप्लेन किया। इनिशियली क्या हो जाएगी, ये जो ई नॉट है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो जाएगी। ओके, व्हेन ए डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स, द फील्ड ई नॉट पोलराइज द डायलेक्ट्रिक एंड चार्ज इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक। जब हमने एक डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस क्या होगी, टी, और ये टी किससे कम होगा, डी से कम। डी कौन सी लेंथ है, इन दो प्लेट्स के बीच की लेंथ, इससे कम होनी चाहिए किसकी, जो आपके पास जो है डायलेक्ट्रिक आप प्लेस करोगे। ठीक है, वो हमने जब प्लेस किया तो क्या हो जाएगा, ये जो ई नॉट है, ये क्या कर देगी, इस डायलेक्ट्रिक को पोलराइज कर देगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे इसके सरफेस पे। क्लियर हो गया? ओके, और इनकी वजह से क्या हो जाएगी, यहां पे दीज इंड्यूस चार्ज सेटअप ए फील्ड ई एम इन साइड द डायलेक्ट्रिक इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। ई नॉट से अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे ये जो ई एम है ये इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, देखो, ये जब आपको एग्जाम में आएगा ये वाली डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरह से राइट डाउन कर लेना, ये फिगर बना के, और ये आप राइट डाउन कर लेना, इसलिए मैंने इस तरह से राइट डाउन किया हुआ ये, ताकि आप एग्जाम में इसी तरह से लिख सको। क्लियर है यहां पे? ओके, अब ये चीज हो गई। अब क्या है, टोटल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट। अब देखो, इन दोनों प्लेट के बीच में टोटल पोटेंशियल क्या होगा, वी वन प्लस वी टू। V1 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डायलेक्ट्रिक स्लैब। एक तो इस डायलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, उसको हम V1 मान लेंगे, और V2 कौन सा पोटेंशियल होगा, जो इनके बीच में एयर गैप है, इन प्लेट्स के बीच में और डायलेक्ट्रिक जो आपने स्लैब आपके पास है उनके बीच का जो स्पेस है, एयर गैप, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको हम V2 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल किस किस की वजह से हो गया, इसकी वजह से, और ये जो एयर गैप है इसकी वजह से। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ओके, अब देखो ये किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वाली पिक्चर क्लियर है? ओके, अभी हमें पता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, जब उसके बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वैक्यूम होता है,
कोई भी मीडियम प्लेस नहीं किया हुआ हमने, कोई भी डायलेक्टिक स्लैब प्लेस नहीं की हुई है, तो क्या वैल्यू होती थी? सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं पहले, ठीक है? ओके, अब हमने क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालनी है हमने, जब हम इसमें डायलेक्ट्रिक स्लैब हमने इनसाइड इसके इसमें प्लेस कर दिया, ठीक है? तो उसकी वैल्यू क्या होती है? कैपेसिटेंस क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाय वी, ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला होता है, सी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। तो मेन काम क्या है हमारा? हमें वी फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अब जो पोटेंशियल निकलेगा वो किस किस की वजह से निकलेगा? इस डायलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से और जो ये एयर गैप है इसकी वजह से, ठीक है? तो अब एक चीज हमें पता है, वी नो, हम लिख सकते हैं क्या, E इक्वल टू किसके बराबर होता है? माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी आर। देखो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम नेगेटिव साइन यहां पे क्या कर लेंगे, निग्लेक्ट कर लेंगे, तो यहां पे क्या होगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, V पोटेंशियल की वैल्यू और डी आर क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहां से क्या क्लियर हो गया, ये यहां से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, E और D। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम पोटेंशियल को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, E इंटू डी के बराबर। ओके, अब हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, ठीक है? तो सबसे पहले हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अभी V1 किसकी वजह से है? इस वाली की वजह से, ठीक है, डायलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से। तो V इक्वल टू क्या होता है? E इंटू डी। और अभी E कौन सा आएगा यहां पे? E M, बिकॉज मीडियम की बात कर रहे हैं हम, E M। और D कौन सा आएगा? ये वाला, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है? T। तो E M इंटू T हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके, अब हम यहां पे इसको राइट डाउन कर सकते हैं, V1 इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन M इंटू T। कैसे? बिकॉज वी नो ई एम इक्वल टू होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एम। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्लैब की वजह से जब हम सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे तो उसकी वैल्यू क्या आती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लास्ट वाला वीडियो एक बार देख लें अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है? इसके बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर अब हम क्या लिख रहे हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम, क्योंकि हम मीडियम की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ई एम है यहाँ पे, है ना? तो ई एम की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एम। क्लियर है ये? हमने यही राइट डाउन किया है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब एक और चीज हमें पता है, देखो एप्सिलॉन एम, बिकॉज वी नो एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर होता है? डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बराबर। तो यहां से अगर आप एप्सिलॉन एम की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगी के एप्सिलॉन नॉट। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है? एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बराबर, और एप्सिलॉन एम की वैल्यू आ जाएगी के एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वी वन इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट, और यहां आ जाएगा टी। ये आपके पास निकल गई V1 की वैल्यू। ये क्लियर हुआ आपको? V1 की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर ली हमने। ओके, अब हमने फाइंड आउट करनी है V2 की वैल्यू। V2 की वैल्यू किसकी वजह से होगी? ये वाला एयर गैप जो है, तो E इंटू डी। पर अब कौन सा E लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम? E नॉट। और D डिस्टेंस कौन सा लेंगे? हमें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, एयर गैप, ये वाला और ये वाला। तो D तो नहीं आएगा, ये कौन सा आएगा? पूरा डिस्टेंस कितना है? डी। डी में से क्या कम कर देंगे? ये वाला डिस्टेंस, तभी तो ये वाला डिस्टेंस आएगा, ठीक है? तो ई नॉट इंटू डी की जगह आएगा डी माइनस टी। ये क्लियर हुआ स्टेप? ओके, और हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं वी टू इक्वल टू ई नॉट। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? इनसाइड इनसाइड द टू कंडक्टिंग प्लेट्स की वजह से क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और यहां पे आ जाएगा d माइनस टी। ये आपके पास आ गई v2 की वैल्यू। क्लियर हुआ है ना? अभी क्या करेंगे? अब हम टोटल पोटेंशियल की वैल्यू v1 प्लस v2। तो v इक्वल टू, बिकॉज हमें तो टोटल पोटेंशियल चाहिए, ठीक है? और उसको हम चार्ज से क्या कर देंगे? डिवाइड, और हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब v इक्वल टू v1 प्लस v2। v1 क्या है? सिग्मा, ये हमने कैलकुलेट किया, सिग्मा टी के एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। क्लियर हो गया? ओके, अब यहां से क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको आप कॉमन ले लोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां क्या बच गया, टी डिवाइडेड बाय के, और प्लस यहाँ गया डी माइनस टी, ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई टोटल। क्लियर हो गया? यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी, बस यही मेन वर्क है। अब हमें पता है हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय वी। अब ये किसकी कैपेसिटेंस निकल रही है, जब हमने डायलैक्ट्रिक स्लैब को इसमें इंट्रोड्यूस कर लिया है, क्लियर है? तो और सी नॉट कौन सी है, जब वैक्यूम था इसके अंदर, है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो अब इसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, बिकॉज सिग्मा इज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे वी आप यहाँ पे राइट कर दो, बिकॉज कैसे सिग्मा इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइडेड बाय ए के बराबर होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, ठीक है? ये वैसे आपको पता है क्यू इक्वल टू किसके बराबर आ गया यहाँ से, सिग्मा ए, यहाँ से राइट ऑन कर लिया हमने, ठीक है? अभी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय इस पूरे वाला पोटेंशियल, ये पूरा लेना हमें, ये क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आप राइट डाउन कर लो, प्लस डी माइनस टी। अभी सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो क्या आ जाएगी सी की वैल्यू, सी इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय के प्लस डी माइनस टी, ये वाली वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस की। यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी, ये कौन सी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, जब हमने उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर लिया। आपको क्लियर हुई है कैलकुलेशन? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आप एक दो बार ट्राई करना तो आपको इजी लगेगी। क्लियर हो गया ये? ओके, अब देखो ये वाली चीज हमने ऐसे ही किया था यहां पर भी। देखो एक बार ऐसे रिवाइज कर लेते हैं दोबारा, हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर, यहां से हम V लिख सकते हैं ई डी, ये हमेशा याद रखना है। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस बेस पे आते हैं कि आपके पास D की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू पता है, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ई डी के बराबर। अब हमने वी वन निकालना था पहले, तो वी वन हमने कैसे निकाला, ई एम टी, ठीक है, ई एम को लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कंडक्टिंग प्लेट्स की वजह से सेंटर में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम, ये हमने राइट डाउन किया। फिर हमने कहा कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के के बराबर होता है, यहाँ से हम एप्सिलॉन एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और ये वैल्यू पुट की और वी वन की वैल्यू आ गई। और वी टू की वैल्यू के लिए हमने ई नॉट डी माइनस टी लिया था, और यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर, हमने अभी एक्सप्लेन किया, तो यहाँ से हमने टोटल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल दी इनको ऐड करके, तो ये वाली आ गई। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं था, उसके बाद तो क्या हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाना है, और वो क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब। हमने जब डायलैक्ट्रिक स्लैब उसमें इंट्रोड्यूस कर लिया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आएगी, और क्यू की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा ए, वेयर सिग्मा इज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी वी, और तो इस वी से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और ये कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये तो हमने भी कैलकुलेट की। ओके, अब हम स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, इफ द डायलैक्ट्रिक फिल्स द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, कि जो डायलैक्ट्रिक हमने ऐड किया था जिसकी थिकनेस कितनी थी टी, अब हम कह रहे हैं कि हमने क्या कर लिया, वो सारे पूरे के पूरे एरिया में ही पूरे के पूरे स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लिया उसी ने, मीन्स टी इक्वल टू डी के बराबर हो गया। ये जो टी है ये किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अभी इसकी ये नहीं है जो इसकी थिकनेस है, ये पूरे डी के बराबर अगर हम ले लें तो क्या होगा, ये स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जब टी को डी इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो इस फॉर्मूले में क्या कर लोगे आप, जहां जहां पर भी टी है वहां पर क्या पुट कर दोगे, डी, तो सी इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी की जगह डी राइट डाउन करोगे, प्लस टी की जगह अगेन डी अपॉन के, डी सी टी कैंसिल, और ये आ जाएगा सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू तो कौन सी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी क्या था, कैपेसिटेंस की वैल्यू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू, जब उसके अंदर क्या था, वैक्यूम था, कोई भी डायलैक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो क्या होती थी कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये वाली, और ये तो कौन सी लिखी थी हमने, सी नॉट, सी नॉट नाम दिया था इसको, तो सी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, के टाइम्स सी नॉट।
दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेयर सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। इट मीन्स क्या हो गया कि जब हमने बैलर प्लेट कैपेसिटर के बीच में किसी डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ा, डायलैक्ट्रिक जैसे आपने उसके बीच का मीडियम डायलैक्ट्रिक स्लैब उसमें इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज हो गई जब उसके बीच में कुछ भी नहीं था, जब वैक्यूम था प्लेट्स के बीच में, ठीक है। दस द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस के टाइम्स व्हेन इट्स एंटायर स्पेस इज फिल्ड विद ए डायलैक्ट्रिक मीडियम। मीन्स कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है के टाइम्स जब क्या करते हैं हम उसमें डायलैक्ट्रिक मीडियम को, डायलैक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं उसमें, या डायलैक्ट्रिक स्लैब को उसमें प्लेस करते हैं, उसका मीडियम क्या बन जाता है, वो डायलैक्ट्रिक होता है उसके बीच में। क्लियर हो गया? ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।